ये ऐसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा। तो रस्सी जो होगी आप लोग अपनी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बनाते हुए भी दिखाऊंगा। ये देखें ऐसा होगा, आपको इसको बीच में रखना होगा ताकि घूमे, क्योंकि ये भी एक योयो की किस्म है, क्योंकि ये पलटता है ना योयो, तो ये भी पलटेगा। तो आप ये देखें, लेकिन रस्सी आपको मजबूत बनानी है, मैं सही से चला दूँ। फिर आवाज़ आती है, असल में हवा काटते तो आवाज़ आएगी, मैंने इसकी धार भी बनाई हुई है। देखें पहले से इसे घुमाना, देखें अब सही से चला। ऐसे घूमेगा और जब स्पीड तेज होगी आवाज भी करेगा। देखो तो अभी तो हम लोग इसको रख देते हैं, इसको रोके पहले ऐसे करके रखते हैं, और फिर हम लोग ये बनाते हैं। हम लोगों को चाहिए एक ग्लास ताकि हम लोग इसको मोड़ सकें ऐसे ऐसे, पहले थोड़ा थोड़ा सा मोड़ेगा ऐसे। क्या करीब से करीजिएगा ताकि हाँ वो सही से हो जाए। कैसे मोड़ना है? यहाँ से पकड़ा आपने प्लास से और मोड़ दिया, मोड़ेंगे और फिर छोड़ दीजिएगा। देखें ऐसे हो गया, थोड़े से और फिर आप करते एक है ये अंदर वाला, और इसको जोर से दबा दीजिएगा सीधा कर। ये मोड़ दिया, अब ये देखें, ये देखें ये इक्वल लेंगे, अब इसको हम लोग इक्वल करेंगे। मेरा प्लास थोड़ा ख़राब है, आप लोग थोड़ा सही से कर सकते हैं। ये देखें अब ये थोड़ी सी देर लगी, इसको कैंची से काटेंगे हम लोग। हम ये देखें मेरे पास काटने वाला कटर नहीं है, तो आप इसे काट सकते हैं। आपको ना अपने पाँव में ऐसे करके अटका देनी है, और ये देखें जहाँ ये सुराख बनेगा ना वहाँ से बीच होकर उधर से थोड़ा करिएगा। आप कटर से भी कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं इससे कर रहा हूँ। ये देखें हो गया सुराख, इसको हम लोगों ने आगे पीछे करना है ताकि जल्दी से हो जाए। देखिए मैंने 5 मिनट में कर लिया। और कैंची भी अच्छी होनी चाहिए वरना थोड़ी देर लग जाएगी। बिल्कुल हिसाब हिसाब से करना है। ये देखें, ये देखें काटा हुआ है ना बीच में से, कितना अच्छा लग रहा है। अब देखें देखें बिल्कुल सीधा सीधा सुराख करना है, कहीं टेढ़ा नहीं करना, और करीब करीब से मोड़ना है। और इसके लिए जो हम ढक्कन कौन सा यूज़ करेंगे? हम लोग कोई भी ढक्कन यूज़ कर सकते हैं, बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, इतना बड़ा हो लेकिन हवा नहीं काटेगा, वो कम कम घूमेगा, आवाज़ भी कम करेगा। तो हम लोग ये मैं इसके लिए बना रहा हूँ, और अब कैंची का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ से दबाया, ज़ोर से दबा के फिर से मोड़ना है, क्योंकि वो तो काटना था। ये देखें ऐसा हो गया, देखें और इसको देखें, इसके भी हम लोग ने ऐसे किए थे ना, ये देखें बिल्कुल सीधा, हम लोगों को और सीधा इसको।
कौन होगा तुम्हें? ये आप इसे स्ट्रेट करें। जी, ये स्ट्रेट इसलिए करेंगे अगर हम लोग बैलेंस थोड़ा सा भी इसका अगर आउट हो गया ना तो ये ख़राब हो जाएगा बिल्कुल। अभी ये भी सीधा होगा, ये थोड़े से सीधे हैं, अभी इनको 5-6 मिनट कुछ टाइम लगेगा इनको सीधा करने का। ये देखें, ये सफ़ेद लाइन है ना, ऐसी आनी चाहिए, थोड़ी सी आवाज़ भी आएगी ढक्कन कटने की। इसके बैलेंस के लिए हम लोग एक और भी चीज़ करेंगे कि यहाँ से जो अंदर का है ना इसको थोड़ा सा आगे रखेंगे, क्योंकि ये पूरा तो हम लोग कर नहीं सकते, ये मजबूत है थोड़ा सा, तो हम लोग हैमर से करेंगे। कोशिश यही करीजिएगा कि ऊपर तक आ जाइए, जल्दी से बना लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाफ थोड़ी देर बात करें, पॉज कर देते हैं, ऐसे करते हैं।